तो ये देखिए रात के बज रहे 11:30 और ये लाइन देखिए कोरोना काल में ये है लाइन वो तेरी सामान सब्जी खरीदने सामान खरीदने के लिए क्या भीड़ लगी हुई है। तो जी ये है मामला, ऐसी भीड़ लगी है देख लो। कल से फिर लॉकडाउन है हमारा बड़ा पूरा अपार्टमेंट पूरा कंपाउंड लॉकडाउन है, तो देख लो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है सामान खरीदने के लिए। तो जी मैं ले रहा हूँ कल के लिए अंडे, अब कल के लिए है 2-4 दिन के लिए, कम से कम 20% ले लेता हूँ है ना। फल फ्रूट मैंने ले नहीं लिए, अंडे भर लेता हूँ, कितने दिन होगा क्या होगा पता नहीं है, इससे बेटर है कि सामान रख लेता है अपना है ना, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट पे चाहिए होते हैं अंडे, तो बेहतर है कि हमने पूरी प्रिपरेशन करके रखें। तो जी गुड मॉर्निंग, आज 7 दिन के लिए फिर हो गया लॉकडाउन, आप सबका स्वागत है हमारे इस बंद कमरे में। ये कमरा ऐसे ही बंद रहेगा 4 दिन तक, और एकदम खतरनाक बैरिकेडिंग लगा दी मेन गेट पे, ठीक है। ये भाई साहब लोग सो रखे हैं, देखो ये देखो सो रखा है, सो रखे हैं, एक चले गए भगने क्या करे, चलो बाहर देख के आता हूँ क्या चल रहा है मामला है ना। फिर लगने वाला है सेटअप, इसमें होगा कोरोना का टेस्ट सबका, ये हमारे कॉलोनी के अंदर ही है, ये वाला हमारा घर है, ये वाला यहाँ पे, और इधर कोरोना का टेस्ट होगा दोबारा आज। हाँ तो बिल्कुल खाना वाली बाढ़ लगा दी उन्होंने, देखो एकदम पूरा टाइट कर दिया, ये देखो बहुत सारे लोग खड़े हैं सामान लेने के लिए। तो आज तो भाई ये भी लग गया बाहर घर के, एकदम भारी लग गया भाई से बाहर, ये देखो शंघाई पुलिस की चाय बन गई दीपू बोटे बोटे ने चाय बना दी है, और टाइम पास के गन्ना भी रखा हमने, ब्रेड तो मैं रात को ले आया था, बाकी आटा वाटा है फ्रिज में, ए फ्रिज तो खाली है, हे भाबा यहाँ दूध भी नहीं रहे रेला, थोड़ा सब्जी सब्जी नीचे रखी हुई है, बाकी तो चावल वगैरह है ही और मसाले वगैरह भी है ही हमारे पास, तो चलो देखते हैं कब तक करते हैं। एक स्लाइस ब्रेड खा लिया, लाल पानी पी रहे है ना, और बाहर ऐसा हो रखा है सुनसान, मतलब ऐसा होता है ना पंछी की आवाज़ की भी नहीं आ रही, पंछी की आवाज़ भी नहीं आ रही है, बिल्कुल सुनसान है। वैसे हम तो आ गए हैं बाहर मतलब धूप सेकने के लिए, यहीं पे अपने घर के बिल्कुल पास में ही, वो हमारा घर है ना, और इधर पास में वहीं पर हम बाहर खड़े हो रखे हैं, किसी ने कुछ बोला तो नहीं अभी तक, मैं हूँ हमारे भाई साहब जी हैं, और ये अपना नेपाल, ये अपना भांजा है, पर हमारा अपना भांजा है, पर ये कौन वाली बोलते हैं प्यार से, हैप्पी लॉकडाउन, हैप्पी लॉकडाउन क्या करे लॉकडाउन के साथ पूरा कोरोना का टेस्ट देख रहे हो, एक कॉलोनी वाइज होगा, एक एक घर एक एक बिल्डिंग 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 वाइज हो रहा है, एक बिल्डिंग का एक बार, एक बिल्डिंग का एक बार, ऐसे करके करा रहे हैं आज। हमारा टाइम पास देखो, सफाई सुफी बैग बुक खाली उठड़ांग उठड़ांग सब सामान सारा हटेगा, अभी कुछ नहीं रहेगा इधर, ये सेक्शन भी सफाई कर रहे हैं, जो चाहिए होगा वो रखेंगे, नहीं तो सारे गो टू हेल, ठीक है जी। मामला सेट कर रहे हैं, बैग हमने खाली कर दिया, ये अमरु भाई का बैग है, इसमें सब फटे फटे कपड़े हैं, सब फेंकना है इसको, अमरु भाई तो देख रहा तो देखना, हाँ फेंक दे सब कपड़ा, बता दिया हमें, बताना क्या हमने फेंक दिया, आपको जो अपने साथ देखना, बस तेरा ये काम आएगा भाई ये और जो ये काम आएगा ना भाई, ये बहुत पुण्य का काम करेंगे हम इससे, किसी के गले की प्यास बुझाएंगे हम इससे, ठीक है, इससे हम पानी खरीदेंगे, जो कि जिसका कि पुण्य तुझे लगेगा, हमें तो लगेगा लगेगा नहीं लगेगा वो अलग बात है, लेकिन तुझे वो पुण्य जरूर लगेगा, ठीक है। तो भोजन लग गया हमारा, भोजन नॉर्मल है, आलू की थिंचाणी, आलू की थिंचाणी बना रखी है, और साल तक भी नहीं दो कुछ नहीं हुआ, आलू की थिंचाणी, मजाक नहीं, तो चुप रहो ना, आज जल्दी लेट के जाते हैं, आलू की थिंचाणी बना रखी है, और भात बना रखा है, भात थोड़ा गीला हो गया हमारा आज, ये देखो भात गीला हो गया, बाकी ये ठीक और ना कुछ है नहीं, शायद ज्यादा नहीं है, है ना, और भात है, ठीक है, चलो फिर खाना खाते हैं
और बाकी एक चीज बोलना चाहते हैं, अगर हमारे गांव में कोई भी लोग देख रहे हैं, अगर हमारे बारे में चिंतित हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये होता रहता है, ठीक है, चिंता ना करें, ठीक है। उधर जवाई जी है, उधर कहां से, मेलथा से, इधर कलम सिंह है पारथा से, उधर तो हम बस, उधर दीपू है अपना नागोली से, इधर ये आदमी कौन है, ये बुजुर्ग आदमी है हमारे, ये वो है संस्थासी वाले, बाकी हम तो हम ही है ना, ठीक है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, सब मस्त है, एकदम मस्ती में हम सूत रहे, खाना मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। थिंजवाणी इतनी मस्त बन रखी है आज, पूछो मत। थिंजवाणी क्यों बोलते हैं इसको, थिंजवाणी का मतलब होता है गढ़वाली में उसको, मतलब ऐसा खींचना पीसना। तो आलू को हम क्या करते हैं, काटते नहीं है, पिचकाना है ना, पिचकाना, तो हम उसको काटते नहीं चाकू चुकू से, कुछ नहीं, जैसे होता ना सिलबट्टा होता है जिसमें हम मतलब कुछ नमक नमक पीसते हैं गाँव में, कई जगह अभी भी करते हैं, जैसे यूपी में भी है वो, तो उसमें हम क्या आलू को ऐसे एकदम पीसते हैं, बारीक नहीं, एकदम छोटे छोटे पीस करके, जैसे देखो ऐसे पीस में, ऐसे पीस में हम पीसते हैं, उसको बोलते हैं आलू की थिंचवानी। थिंचवानी मतलब ऐसा पीसा हुआ है ना, गढ़वाली भाषा है, बहुत फेमस है ये सब्जी घर गाँव में। आपके पास कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आलू की थिंचवानी लाओ, आलू लाओ, पीसो, सब्जी बनाओ, काम खत्म, बहुत टेस्टी होता है, और ये तो बहुत टेस्टी होता है। अभी चेक करने आया था मैं, वो बारी बारी करके बुलाएंगे, जैसे अभी ये वाली बिल्डिंग है, फिर ये वाली बिल्डिंग है, ऐसे ऐसे करके एक एक करके वो बुलाएंगे, किसका कब होगा करके कोरोना टेस्ट। अभी पूछ के आया मैं, कह रहे बाद में बुलाएंगे करके, चलो ठीक है फिर वेट करते हैं, है ना। देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, चलो इसी बहाने आज मैं छक घाम ताप दिया है, मस्त एकदम बढ़िया हो गया आज, मतलब घाम सेकना घाम तापना गढ़वाली वर्ड है, गढ़वाली और हिंदी में घाम सेकना। एटलीस्ट हम आ सकते हैं यहाँ से, वो बंद है, वो उधर बंद है, बट हम आ सकते हैं यहाँ पे, धूप सेकने के लिए आ सकते हैं, तो ये एक अच्छा है, एटलीस्ट धूप सेक सकते हैं। ये भाई क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है यहाँ पे, अरे मेला देख रहा हूँ, मेला कोरोना मेला देख रहा हूँ, उधर देखो खिड़की से, उधर देखो, इधर इधर उधर देखो कोरोना मेला देखो, तुम भी देखो, ये देखो वो देख रहे हो, वो दिख रहा है, ये देखो ये मेला लगा हुआ है, मेला जैसा दिख रहा है, हाँ ये रहा। ये देख रहे व्यवस्था, बुढ़िया की व्यवस्था, कह रहे डरी हुई है बुढ़िया। जी लोगों के साथ गपशप भी मार रहा हूँ, ताई जी लोग बोल रहे हैं कि चाइनीज अच्छी बोलता बोला हम स्पीच हो आई मैं छिला। ये पीछे लोग शुरू हो गए, लाइन लगनी शुरू हो गई, देखो ये अपने भाई लोग, ये आई भाई जो भी होगा चाइनीज लोग ना लाइन लगाने में ना इतने वो होते हैं माहिर, खड़े हो जाएंगे लाइन में, तुम एक घंटे लगाओ वो लोग लाइन पे लग जाएंगे, देख लो कहाँ तक लाइन लग गई है। ये हमारा घर है, ये हमारा रूम है, और ये हमारी लाइन यहीं से लग गई, और हमें जाना है यहाँ से अंदर। आज क्या है, 15 अगस्त, हाँ 15 अगस्त, 15 अगस्त, हाँ शहीद दिवस, हाँ चलो बोलो रे पिछले में अंकल जी लोगो। तो यहाँ पे हमें नंबर मिलेगा यहाँ पे, और वो अपना एक QR कोड मिलेगा, ताकि नेक्स्ट जा करके वहाँ पे हम अपना कोरोना टेस्ट कर सकें, उसके लिए ये QR कोड चाहिए होता है, आपको दिख रहा है, ये QR कोड पहले जनरेट करना पड़ता है, तभी वो आपको कोरोना टेस्ट करेंगे। कहाँ गया ये वाला, दिख रहा है आपको ये वाला, ये है काका जी का, वे यावा यावा। आज बहुत आज तो उन्होंने ऐसा खरोड़ दिया कि पूछो मत आज बहुत खरोड़े है ना,
ए बाप रे आज भयंकर खरोड़ रहे हो, एकदम माल निकाला अंदर से। अभी मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे बोला। चलो जी, लेकिन हो गया, कोरोना टेस्ट हो गया। जैसे ही सबकी टेस्टिंग हो जाएगी, एक बार कंप्लीट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद सारे जाना वगैरह अलाउड कर देंगे, है ना। टेस्टिंग या रिपोर्ट आने के बाद, पहले नहीं, रिपोर्ट आने के बाद वो अलाउड कर देंगे। ठीक है, अब अपने अपने रूल्स हैं, वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, है ना, कुछ नहीं कर सकते। चलो फिर अब चलता हूँ घर पे, है ना, हो गया। बोलिए मैं क्या ये तेरी ये देखो ये आदमी, अरे रो मत, खुल जाएगा, रो मत, खुल जाएगा। ये देखो निवाली के आंसू आ रहे हैं। ये देखो, ये रो मत, चिंता मत, झाड़ खुल जाएगा, चिंता मत करो, हाँ चिंता मत करो, रोना नहीं। आज क्या है, 15 अगस्त। ऐसा कौन करेगा? हम करेंगे और कौन करेगा? चलो वो तो हाथ से चाहे हिंदू, वो तो हाथ से两个两岁的，我们还没看，没看到啊？对，还没看到。那个谁过来了？哎呦，没办法，阿姨，现在毕竟没有看。就是疫情，不是疫情的话，可以有来回了。对，可以啊，可以啊。疫情的话，我们六个月一年都可以回去。那你呢？所有都是一样的。全部印度人。都是家里都在。对，我们都是家里人，不是，孩子家人。对，都是孩子，他的三个孩子。哦，他三个孩子。对。小孩子嘞。他的一个孩子。哦。他的有三个孩子。哦，那不是老好，那就很好。三个孩子，哎，那你们可以跟小孩子视频的呀？啊，可以视频，可以视频，可以打电话，可以都可以啊。就是疫情不好，疫情好了，你们都可以回去了啊。肯定去啊，肯定可以去的。好，很好，对，谢谢阿姨。没办法，阿姨，现在没办法，所有的国家都这样的。对。那你们印度还可以吧？新疆没关系。印度没好。对，结束了。结束了。对，新疆没关系。好。对。蛮好 ，OK， 谢谢阿姨，谢谢，你真的不容易。好，你好，अभी हमारे पॉपकॉर्न होने वाले रेडी। ये देखो एकदम क्या मस्त पॉपकॉर्न बना रखे मैंने। चीता आदमी हूँ मैं, चीता। हाँ जी, तो जी भोजन पानी तो पूरा हो चुका है हमारा, ठीक है। रात के बज गए 11। काका जी इधर सो रखे हैं, ये भाई साहब इधर सो रखे हैं, दीपू सिंह इधर सो रखे हैं, ठीक है। अब इंदिरा करते हैं, तो इनको घर पे बात करनी होगी, हमको भी करनी होगी। आज का इसको करते हैं यहीं पे समाप्त, ठीक है। मिलते हैं कल दोबारा। अगर ऐसा, मैंने अभी इससे बात की थी, अभी ऐसा बोला उन्होंने कि अगर कोई केस नहीं होता है तो वो लोग कल ओपन कर देंगे या फिर परसों सुबह शुरू ओपन कर देंगे गेट। अगर आते हैं नेक्स्ट 12 दिन और हमें अंदर ही रहना पड़ेगा। तो इन 12 दिन हम क्या क्या करते हैं वो सब आपको दिखाने वाला हूँ मैं थोड़ा करके, है ना। होप कि आप इंजॉय करोगे, बाकी सब मजे में सब मस्त है।